एबीपीएस न्यूज़। एबीपीएस न्यूज़ टीम का अगला पड़ाव जनपद हाथरस के ब्लॉक सासनी में स्थित रूहल गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 6 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर है। लगभग 10,000 की आबादी व 4200 वोटरों द्वारा योगेंद्र सिंह को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 1050 राशन कार्ड धारक हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें, प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 430 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 120 हैंडपंप लगे हुए हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा 20 खराब हैंडपंपों को भी रिपेयर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 100 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर व 90 स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 25 सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण भी कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 150 इज्जत घरों का निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, 60 सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सालय, खेल का मैदान, पंचायत घर, बारात घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। जनपद आत्र से योगेंद्र सिंह अपने गांव में मैं विकास के लिए जो मैंने विकास कराए हैं, शौचालय बनवाए हैं, मनरेगा में काम कराया है, नाली मिट्टी का काम कराया है और सरिया करवाई है, इंटरलॉक कराई है और 20-30 मतलब के बहुत कुछ मैंने किया है अपने उसके लिए। पशुओं के लिए कोई चिकित्सालय नहीं है और नाली भी करवाएंगे, पशुओं के चिकित्सा करेंगे। दूसरी बात और मुझे सड़क पानी के लिए पानी बाहर निकालना है, गाँव से बाहर पोखर के लिए पानी देना है, उसके लिए नाली देना है, धनराशि चाहिए जो कि मेरे पास इतना पैसा नहीं आता है जिससे काम कराएंगे। मेरा स्कूल आदर्श विद्यालय बनाना चाहता हूँ, उसके लिए बहुत कुछ पैसा चाहिए और उसमें भी काम करा रहा हूँ। मुझे जो कुछ लोगों ने बारात घर के लिए मैदान बारात घर और बारात घर और पानी का निकास सबसे मेन जरूरी होता है। ऊपर तक नाली पहुँचे 500-700 मीटर नाली गांव के चारों ओर घूम के जाएगी जब ऊपर तक पानी पहुँचेगा और सड़क बढ़िया होनी चाहिए गांव के ऊपर। जो भी कोई दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है केवल पानी की वजह से, गांव में पानी रुका हुआ है, सबसे दिक्कत इसी की आ रही है। मेरे पास और पैसा होता तो उसका मैं और कराया जाता। आपसे यही अनुरोध है कि थोड़ा बहुत और पैसा धनराशि दी जाए ताकि मैं गांव का विकास करा सकूँ।